जिस तरीके से कॉकरोचेस जो है वो पाइप्स में से या छोटे छोटे स्पेसेस में से निकलते हैं, मॉनसून में हमारी वो स्थिति हो जाती है. लाइफ इज हेल हेयर. वो बच सकता था अगर ये इंस्टीट्यूट जो है हमारी लाइफ को थोड़ा सा वैल्यू दे देता. जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे खाना, पानी और हवा तीनों खराब है. लिविंग लाइक इंसेक्ट्स का जो रेलेवेंस है वो वहाँ पे इसलिए फिट बैठता है क्योंकि जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी यहाँ पर होती है, जैसे पिछले वर्ष यहाँ पर बहुत बाढ़ आई थी, तब भी यहाँ पर बेसमेंट्स में पानी जो है वो जमा हुआ था. इनफैक्ट फर्स्ट फ्लोर पर भी पानी जमा हुआ था. इस भारी मात्रा में यहाँ पर पानी आता है. उसके बावजूद प्रशासन ने आंखें नहीं खोली. उसके बावजूद इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो है बिल्कुल भी लापरवाही, बहुत सारी लापरवाही दिखाते हुए बिल्कुल भी कोई भी तैयारी तैनात नहीं की. जबकि हम सबको पता होता है कि दिल्ली में जैसे ही मानसून अप्रोच कर रहे होते हैं, हमको पता होता है कि इस साल भी ताबड़तोड़ बारिश होगी और पानी जो है बिल्डिंग्स में जमा होना शुरू हो जाएगा. तो जिस तरीके से कॉकरोचेस जो है वो पाइप्स में से या छोटे छोटे स्पेसेस में से निकलते हैं, मॉनसून में हमारी वो स्थिति हो जाती है. जब यहाँ पर भूकंप आता है तब हमारी वो स्थिति हो जाती है क्योंकि हमें डर लगता है कहीं कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए. उसके बावजूद इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर बच्चे होने के बावजूद प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम लोग प्रोटेक्टेड फील कर सकें. और हमारी लाइफ की वैल्यू तो बिल्कुल ना मात्र है, जो कि अगेन मैं कहूंगी मक्खी या मच्छर जैसे हैं, जैसे हमारे जो है कुछ साथी कुछ बीते दिनों पहले गुजर गए. उनकी जान की जो कीमत थी वो शायद यही थी. लिविंग लाइक इंसेक्ट्स जो है वो बहुत सही एस्पिरेंट ने लिखा है, बिकॉज येस वी आर लिविंग लाइक एन इंसेक्ट्स एंड देर इज नो वैल्यू, देर इज नो वर्थ अटैच टू आर लाइव्स. एंड वी कैन गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड लाइक अ मस्किटो. जब हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है कि मस्किटोज और मक्खियां जो है उस पे चिपक के मर जाए, उस तरीके से हमारे साथी जो है अपनी जान गंवा रहे हैं. उस तरीके से वो जो है डूबकर अपनी जान गंवा रहे हैं. इस तरीके की जो मृत्यु है वो तो किसी के साथ किसी को नहीं मिलनी चाहिए जैसे हमारे एस्पिरेंट्स को मिली है. और ये तो रिपीटेड है, जो भी है रिपीटेड है. लास्ट ईयर भी आई एम श्योर आप लोगों ने कवर किया होगा कि मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, सीवेज का ड्रेनेज का इशू है. और बिल्डिंग्स आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी कंजेस्टेड एरियाज में हैं. और जो बेसमेंट में जो पानी जाता है वो तो बहुत ही नॉर्मल न्यूसेंस है. और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इन्हीं बेसमेंट्स में हमारी लाइब्रेरीज है. तो यहाँ पे सिर्फ ये बड़ा कोचिंग सेंटर ही नहीं है यहाँ पर जिम्मेदार. ऐसी ना होनी तो जो है वो छोटे बेसमेंट के लाइब्रेरीज है उनमें भी हो सकती है. बट हाँ, किसी कारणवश शायद यहाँ पर जो है ये जो भारी मात्रा में जो हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है हमारे साथियों का, वो बच सकता था अगर ये इंस्टीट्यूट जो है हमारी लाइफ को थोड़ा सा वैल्यू दे देता. ये है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं जैसे कि सबको पता है. बट द थिंग इज, यहाँ पे बेसमेंट में इस तरीके से ड्रास्टिक मौत हो रही है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो वो एक कीड़े मकोड़े की तरह ही उसे कहा जाएगा ना. तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से तो. और अभी तक एज सच कोई एक्शन लिया भी नहीं गया है यहाँ पे. अगर बात करी जाए तो रहने का, खाने का, पीने का, किसी चीज का कोई इतना व्यवस्थित सिस्टम यहाँ पे अभी नहीं है. रेंट बहुत हाई है और हर चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है. तो उस चीज के लिए स्टूडेंट, एक छात्रा ने हमारे साथ की, एक छात्रा ने अभी कुछ दिन पहले सुसाइड भी कमिट किया इसी चक्कर में. तो वो सारी चीजों को नजर रखते हुए ये सब चीजें बोलना बहुत जायज है स्टूडेंट्स का. और वो बोल भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाइफ इज हेल हेयर कह सकते हैं इस चीज को. बट हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा स्टेटमेंट, बट हाँ अभी के सिचुएशन देख के कि ये स्टूडेंट ये बोल रहे हैं वो सही है अभी. जी बिल्कुल होना चाहिए. अगर हायर अथॉरिटीज नहीं बोलेंगी तो फिर कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, फिर कौन सुनेगा हमारी आवाज. हम यहाँ पे ढाई दिन से बैठे हैं, कौन सुनेगा हमारी. तो बिल्कुल इन्वॉल्व होनी चाहिए और होनी चाहिए एक्शंस के साथ. एक्शंस भी लेने चाहिए उन्हें हम लोगों के हिसाब से, हमें तभी जस्टिस मिलेगा. वी आर नॉट हेयर फॉर ये सब तमाशा करने के लिए. हम एक मिशन पे हैं यहाँ पे, एक अच्छे कॉज के लिए हैं यहाँ पे हम लोग. जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे खाना, पानी और हवा तीनों खराब है. तो पहले तो हेल्थ कंडीशन डिटेरिएट हो रही है, और उसके बाद जिस तरह के कंडीशंस में हम रह रहे हैं
प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है रूम्स में, लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं वो बेसमेंट में है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, फ्लडिंग के टाइम पे इनंडेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, हमने देख चुका है कि कैसे हमारे भाई और बहन जो है उनकी डेथ हो गई, सो मैं इस चीज़ से काफ़ी एग्री करता हूँ। हाँ जी, हायर अथॉरिटीज़ को इंटरवीन करना चाहिए ऑफकोर्स, एंड हमने ये डिमांड जो है हमने सोचा है कि आर्टिकुलेट करेंगे हम जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि एमसीडी के जो भी ऑफिशियल्स हैं, एंड ऑल्सो लाइक दिल्ली जल बोर्ड के एपेक्स अथॉरिटीज़, इनको जो है हमें आर्टिकुलेट करने अपनी डिमांड्स को। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।